देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान के सभी अधिकारियों की मीटिंग है, जिसमें हमारे कमिश्नर भी हैं, कंट्री जी हैं, शक्ति सिंह जी के सभी नाम मौजूद हैं, और जिसमें कि जो आगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो शुरू होगी हमारी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक नई योजना जिन्होंने शुरू करी थी राजस्थान में, उसकी अब जो नई शुरुआत होगी बजट के बाद में, तो वो अभी जून में शुरू करने हम जा रहे हैं, जिसमें कि पहले से ज़्यादा यात्री उसमें अभी यात्रा करेंगे, 40,000 के लगभग यात्री यात्रा करेंगे, जिसमें से 4,000 हवाई जहाज से और 36,000 यात्री ट्रेन से जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें अभी और भी जो तीर्थ स्थल हैं वो जोड़े हैं, चाहे अयोध्या हो, श्रवण वेरिगोला हो, वैद्यनाथ हो, ऐसे तो उन पर वहाँ पर समेत शिखर है, तो अब वहाँ पर भी ट्रेनें हमारी जाएंगी। हमारी पूरी तैयारी है, अब अगले महीने जून से हम ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन पहले से हुए पड़े हैं उसी में से हम भेजेंगे इस बार तो। और जो आज की मीटिंग है कि हमने हमारे संभाग वाइज सभी देवस्थान के मंदिरों की एक फिल्म बनाई है हमने, पूरे मंदिरों की, जो कि उनका इतिहास बताता है कि कौन से मंदिर की कब स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, किस उद्देश्य से करी, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी एक राजस्थान की जो पहचान है उसको हम घर घर तक पहुंचाने का प्रचारित काम करेंगे इस पिक्चर के जरिए। तो हमने ये बनाई है, अभी भरतपुर की है और उदयपुर और जयपुर की, तो अभी आगे भी हम संभाग वाइज जैसे देवदर्शन पदयात्रा करेंगे जो कि जयपुर और उदयपुर हो चुकी है, अभी 4 जून को हमारी जोधपुर में होने जा रही है। तो इस तरीके से जो हमारे मंदिर हैं, जो इतिहास बोलता है, जिनकी कहानी बोलती है कि किस कारण से कौन से मंदिर को कौन से राजा ने स्थापित करवाया, कब कराया, तो वो सारी चीज़ें उस फिल्म में दर्शाई गई हैं, जिससे कि हमारी राजस्थान की जनता को जानकारी मिल सके। मैम, हाल ही में देखा है कि जो देवस्थान विभाग के जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो हमारी राजस्थान की उसमें कला प्रदर्शित है, उसके अंदर संस्कृति दिखाई जाती है मंदिरों के निर्माण में, वो देखने के लिए जो पर्यटक हैं, आप देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से मंदिरों में ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी, राजस्थान के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, देवस्थान विभाग के लिए भी खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखा होगा कि अभी चाहे खाटू श्याम मंदिर है, कैला देवी मंदिर है, बैणेश्वर धाम है, गोविंद देव मंदिर है, तो इन सभी के लिए एक अलग से बजट घोषणा करी है, जिससे कि करोड़ों रुपए के वहाँ पर कॉरिडोर्स बन सकें और पर्यटक हमारे